हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो सुनाई न दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। अरे ये जो सुराग है, अरे साहब ये जो सुराग है, ये अमेरिका पाकिस्तान चाइना की साजिशों का हिस्सा, लेकिन इसे हम अपने घर का रोशन दान कहते हैं, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। खुशनसीब है हम कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। कौन कह सकता है कि आज हमारा भारत आज़ाद है और आज़ाद नहीं है? कोई बता सकता है हमारा भारत आज़ाद है या आज़ाद नहीं है? कोई बताएगा? नहीं है, है? राष्ट्र निर्माण के लिए नारी शक्ति जरूरी है, नारी सशक्त होनी चाहिए, और नारी की पूजा नहीं, इज्जत होनी चाहिए। जिस देश में ट्विंकल निर्भरा और उन्नाव जैसे कांड होते हैं, वो देश आजाद नहीं है, नारी सशक्त नहीं है, मतलब अभी देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं है, और हम इस देश को पूर्ण रूप से आजाद करना होगा। ये बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में जलाए रखना, लहू देखकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कश्मीर के हर एक बच्चे के दिल में तिरंगा बसता है, लेकिन उसकी यह इच्छा और उसका यह लक्ष्य, उसका यह सपना आतंकवादियों के चंगुल में चूर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर में भी तिरंगा फहरेगा, हमारे भारत का तिरंगा फहरेगा कश्मीर। अब कश्मीर में ही वही संविधान होगा जो हमारे भारत में है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन जवानों को जो अभी भी, हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे वहाँ पर सैनिक रक्षा कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन शहीदों को जो जिन्होंने हमें, हमारे देश को आज़ाद कराया है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य। ये आज़ादी जो हमने पाई है, इसके लिए बहुतों ने जान गंवाई है। यूं ही कायम रखना ये आज़ादी, वरना व्यर्थ जाएगी उन श्रेष्ठ आत्माओं की समाधि, वरना व्यर्थ जाएगी उन श्रेष्ठ आत्माओं की समाधि। जहाँ मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, जहाँ मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, जहाँ बौद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथाएँ होती हैं, जहाँ बौद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथाएँ होती हैं। मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है, और मैंने सुना है जहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है, फिर क्यों हम जुदा हैं और जोड़ने की बात होती है? फिर क्यों हम जुदा हैं और जोड़ने की बात होती है? महान था, महान है और महान रहेगा, कि ऐसा ऐसा हर देशवासी को सोचना चाहिए। अगर हौसला होगा, अगर हौसला होगा सबके दिलों में इस कदर, तो एक दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। और पाकिस्तानी क्यों, और पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, कार्यक्रम ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, कि देश का काम नहीं है हमें आगे ले जाना, हमारा काम है देश को आगे ले जाना। तो एक बार जोर से बोलिए, बंदे बंदे बंदे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।